नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज मैं आपको अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए जान लेते हैं 31 जनवरी 2022 का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि, घरेलू समस्या से आपको परेशानी हो सकती है, दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी, परिश्रम की अधिकता रहेगी, मित्रों का आज सहयोग मिलेगा। वृष राशि वालों, मानसिक शांति तो रहेगी लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, बातचीत में संयत रहे, स्वास्थ्य के प्रति आपको आज सचेत रहना हो सकता है। मिथुन राशि वालों, मन अशांत रहेगा, परिवार की समस्या अभी यथावत रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, संचित धन में कमी हो सकती है। कर्क राशि वालों, आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, माता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, आय में कमी आ सकती है। सिंह राशि वालों, मन अशांत रहेगा, बातचीत में संयत रहे, वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा, शैक्षिक एवं शोधिक कार्यों के सुखद परिणाम मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों, आत्मसंयत रहें, क्रोध एवं आवेश के अधिकता रहेगी, नौकरी में अवसरों से वैचारिक मतभेद हो सकता है, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन संभव है। तुला राशि वालों, वाणी में सौम्यता बनाए रखें परंतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। धनु राशि वालों, कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा, नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है, परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर आज आपका जाना हो सकता है। मकर राशि वालों, परिवार की समस्याएं बढ़ती दिख रही हैं, मन अशांत रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रहेगा, लेखन आदि बौद्धिक कार्यों से धनार्जन होने की संभावना दिखती बन रही है। कुंभ राशि वालों, शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, किसी मित्र के सहयोग से आज नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, आय में वृद्धि होती दिख रही है। मीन राशि वालों, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है, परिवार की समस्या बढ़ेगी, वाहन सुख में वृद्धि होगी। यह था मित्रों आज का राशिफल। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलूंगा मैं आपसे कल का राशिफल लेकर के, तब तक के लिए आचार्य राज पांडे को इजाजत दें, नमस्कार।